हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? देख रहे हो कितना मस्त मौसम हो रहा है मेरे पीछे, लुक एट इट। ठीक है, सो आई एम एट पू and yesterday it was an amazing day. I mean, we had a great night yesterday. You can tell it by just looking at my face. It was amazing, mind blowing. We had some ceremony here. One of the international writer had birthday. They celebrated in their own way, like it was an Austrian dance thing. Avoid that noise at the back, it would be disturbing, but you have to avoid it. Some construction work is going on, right? So आज का जो दिन है, it is going to be amazing. आज adventure शुरू होगा real. And अभी क्या plan है? 8:30 बजे हमारा briefing session होगा. उसके बाद 9 बजे भी है projected कि हम निकलेंगे, but I know कि 9:30 बजे तक हम लोग निकल पाएंगे। इसके बाद जो पहला स्टॉप है, इट इज़ गोइंग टू बी द कॉन्फ्लुएंस पॉइंट एंड खब। ठीक है, उसके बाद हम नाको रुकेंगे। हम आज जाएंगे टाबो, तो उससे पहले हम ग्यू मोनेस्ट्री भी जाएंगे, राइट। तो ये पूरा प्लान है, बढ़िया एडवेंचर होने वाला है। ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर हम लोग आगे निकलते हैं। अभी रेडी होना है, तैयार होना है, नहाना धोना है। ठंड बहुत ज़्यादा है, बट इतना फील नहीं हो रहा, पर ठंड काफ़ी ज़्यादा है। अभी रात को टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री था, राइट। सो बढ़िया फोटोग्राफ्स आई हैं यहाँ की। आई विल बी पुटिंग देम ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो मी देयर एज वेल बाय द नेम ऑफ मालिन नला। हमेशा नहीं छूटते यार, 2 दिन में हो गया। बहुत तेज लगा भाई, स्टैटिक। हाँ, स्टैटिक नहीं था, कुछ और था भाई। यही था, स्टैटिक नहीं था भाई, ये वही था भाई। मैं फील करता हूँ स्टैटिक में और अरे भाई। रोड स्टिल आई वुड से नाको, दैट्स अ स्मॉल टाउन व्हिच विल बी इन बिटवीन टाबो, आर परफेक्ट, अमेजिंग। बट थिंग्स विल चेंज आफ्टर नाको, विल बी गेटिंग ट्रेचरस रोड्स। ओके, टॉकिंग अबाउट दी स्टॉपिंग पॉइंट्स, विल बी स्टॉपिंग एट खब. There's a place called Khab. It's a very beautiful location where we can find confluence point. It's a confluence point of 2 rivers. One is Spiti River. The second one is Satluj River. Along with we were already riding, right? And the third thing is that today we will not be traveling. Okay, we will be exploring today, right? So entire day we'll be having fun. We'll be stopping at several points, enjoy. There are good terrains, good views. Okay. To give you a brief information that on the roads we are traveling, they were amazing, right? Yes, perfect, great. In such altitude, in such I would say remote area, you're getting perfect wide roads. I'd say big thanks to Indian Army, and you must have heard BRO, Border Road Organization. That is a part of Indian Army which has made it possible that they have made these wide roads up here. So I'd like to give a round of applause to Indian Army first. Right? So, there we go. Perfect. On the bikes. On the bikes. So with that short briefing, we have reached to fuel up our vehicles. सबकी गाड़ी top up कराई, because इसके बाद जो fuel up pump है, that is in Kaza only, right? सारी गाड़ियाँ fuel up हो रही हैं properly. अब अगला stop होगा खब। तो आज यूटिलिटी भी बिल्कुल साथ नहीं चलेगी, हमारे दूर नहीं चलेगी, ओके। और अभी हम लोग नाको रुकेंगे नहीं, हम उसे क्रॉस करेंगे, बिकॉज़ हमारा वापस आते हुए नाको में स्टे है। तो नाको हम तब एक्सप्लोर करेंगे। टायर प्रेशर देख ले। There we go. This is Cafe Lumta. I've stopped here. जब हम लास्ट टाइम 2021 में आए थे, मेरा स्टिकर वहाँ पे अभी भी होगा। सो हम लोग निकल पड़े, फ्यूल अप सब का हो गया है, और अभी तक मैं घर से 545 किलोमीटर्स चल चुका हूँ, एंड अभी काफ़ी जाना है, अभी वापस भी आना है, अ लॉट टू डू। तो आज जैसे मैंने ब्रीफिंग में बोला कि आज हम ट्रैवलिंग नहीं कर रहे हैं, आज हम ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, बस हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, right? So we have plenty of time today. It is 10:27 in the morning. मज़ेदार दिन है आज, ठंड है। मैंने आज बेस लेयर लगाया, आज काफ़ी ठंड है, बिल्कुल शीत लहर आ रही है आगे से, शीत लहर। खब इज़ 8 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, वहाँ रुकेंगे, मज़ा आएगा उधर। तो एटलीस्ट 20 मिनट्स का हॉल्ट हम लेंगे उधर, बिकॉज़ वो जगह तो बनती है रुकने के लिए। और मुझे एक आध रील भी बनानी है, तो मैंने सबको बोल दिया है कि बहुत अच्छी जगह है, आधा घंटा रुकना है जस्ट फॉर माई कंटेंट। सो एंट्रीज हैज़ बीन डन और अब चलते हैं आगे। 6 किलोमीटर और बचता है। खब यूटिलिटी आगे जा चुकी है हमारी ऑलरेडी। दिस इज़ द कॉन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ स्पीति एंड सतलुज रिवर। एक पानी ग्रीन है, एक पानी ब्राउन है। सो यहाँ हम रुकेंगे, विल बी मेकिंग वीडियो। हाउ इज द प्लेस? फ्रॉम चाइना और इट इज कमिंग फ्रॉम चाइना? यस। 10-20 मिनट्स। देख रहे हो, नियर मिस हो गया था। तो अब हमारा ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होगा ऑल ऑफ अ सडन। एज यू कैन सी काफ़ी सारे लूप्स अब आएंगे हमें कंटिन्यूसली टिल नाको। काफ़ी ऊपर आ चुके हैं लूप्स में। वी आर अबाउट टू रीच नाको इन लाइक नेक्स्ट 10 मिनट्स। These symbols are the prayers. What they believe is that these are prayers, and they tie it on the high cliffs and in their homes. What they believe is with the air, with the wind, these prayers travel around the world. That's what the purpose is. So we are close to नाको। ऊपर देखो फुल वाइट माउंटेन्स हैं, बिल्कुल सफ़ेद, और बादल भी हैं वहाँ पे। ठंड थोड़ी और बढ़ गई। अब जहाँ जहाँ उसे हवा घुस रही है ना, ठंड लग रही है। लुक एट दैट, वाव। Now everything is turning white. So we are here at नाको। So अभी नाको हम लोग नहीं रुक रहे हैं, because अभी हम सीधा टापू जाएंगे। नाको हम वापस आते हुए स्टे करेंगे। So we are about to reach मलिंग नाला। This is place called मलिंग। इसके आगे एक वाटर क्रॉसिंग है, that is नाला। पहले बहुत भयंकर हुआ करता था, अब अंडरग्राउंड हो गया है, और जून में वो बहुत अपने ख़तरनाक रूप में होगा, क्योंकि जून में बर्फ़ काफ़ी पिघल जाती है। सो नाको से नीचे आ गए हम लोग। थोड़ा गोप्रो में बैटरी कम हो गई थी, तो मैंने चार्ज किया। भी बंद हो रहा है ठंड की वजह से, बैटरी बिल्कुल लो हो चुकी है। वे हेडिंग टुवर्ड्स ग्यू मॉनेस्ट्री राइट नाउ, और थोड़ी दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। We are here at Gue Monastery and it is super cold here. You can see behind me, snow everywhere, snow. So we'll be taking a halt here around for like 30 minutes. So this is the view from Gue Monastery. This is the monastery that is where the mummy is. काफी बर्फ है यार और मेरी भयंकर ठंड हो रही है ना, हालत खराब हो गई। चाय पीते हैं राइट, बहुत ज़्यादा ठंड है यार, तो स्नोफॉल हो रहा है। मैं शो यू बैक देयर, ये देखो देखते हैं। मौसम है बहुत ज़्यादा ख़राब, 2:30 हो रहे हैं। चाय पीते हैं और फिर चलते हैं आगे टापू की तरफ। ये मेरी आवाज़ कम आ रही होगी तो बेयर बेहतर है। तो ओके, चाय वाला चाय लाते हुए सब्जी चाय था। These momos are delicious. मजा आ गया भाई। वीडियो है क्या? So we are leaving from Gue Monastery. It is so freaking cold here. और साहब बाइक में भी 6 डिग्री दिखा रहा है, तो उसका मतलब यहाँ 1-2 डिग्री टेम्परेचर है इस टाइम राइट। और काफ़ी सारे बादल इधर आ गए हैं, तो बहुत जल्द स्नोफॉल भी होने वाला है, तो इसलिए हम लोग निकल रहे हैं। सीधा टापू में ही रुकेंगे, we will not be stopping anywhere else right now. Okay, बैंड बज गई भाई साहब, बहुत भयंकर ठंड थी। एक जगह खड़े हो तो आप रह नहीं पा रहे हो। बाइक में तो फिर भी चलो यार, हमने कवर कर लिया। कब कभी देख रहे हो कैसी आ रही है, और बॉडी में कहीं ठंड नहीं लग रही है, हाथ और मुंह ऐसे जमे पड़े हैं ना ठंड से। खैर अब तो हेलमेट पहन लिया, अब सही है। जब तक हेलमेट नहीं पहना था तो दिक्कत आ रही थी राइट। So Gue village is a very beautiful place and I'd recommend आप लोग ज़रूर आना इधर। नीचे बड़ा प्यारा सा वाटर स्ट्रीम है, मस्त दिखता है। पर अब हम लोग नहीं रुकेंगे, आते हुए मैं दिखाता आपको बट मेरा GoPro बंद था। अभी इसमें 50% बैटरी हो गई, तो अभी गुड टू गो है मामला राइट। Look at it. Last time जब आया था तो इधर रुका था मैं। It's a very beautiful river stream, water stream I would say. एक चीज़ और है additionally, which I always wanted to tell you, that this entire trip has been organized by the Mountain Child Stay in Manali. So whenever you visit Manali, you can stay at the Mountain Child Homestay. Additionally, Kavita, the owner of it, she is a very great trek leader too. So if you are interested in trekking, and if you are interested in staying in Manali, and you want to get everything customized on your choices, so she is the girl you want to be in contact, right? So उसकी जो सारी डिटेल है, it is in the caption description below. you can go ahead and check. So we are almost down from Gue Monastery. अब फिर हम मेन रोड पे आ जाएंगे और वहाँ से अराउंड 28 किलोमीटर्स और बचा है टाबो. So here we are, back to the main road. अब जो है रोड सुमदो के बाद थोड़ी नैरो हो जाती है. अब ऐसे ही चलेगी रोड, नैरो नैरो. So we are at Hurling. Hurling is a small, very small village. But यहाँ खाने वाने का arrangement रहता है. GoPro की बैटरी डाउन हो गई है फिर से, ठंड बहुत है इसलिए. तो अभी शायद टाबो तक रिकॉर्ड ना कर पाए. बट अभी देखो क्या मस्त व्यू है, रोड देखो कितना अच्छा है. यहाँ पे हमेशा पत्थर गिरते रहते हैं. लास्ट टाइम मैं आया था यहाँ ऊपर से पत्थर लुढ़क लुढ़क के आ रहे थे नीचे. मौसम आगे काफ़ी ख़राब दिख रहा है एज यू कैन सी, और क्रॉस विंड्स बहुत भयंकर आ रही है. हवा बहुत तेज़ है यार, पत्थर गिरे जा रहे हैं ऊपर से कंटिन्यूस. छोटे छोटे हैं, थैंक गॉड छोटे ही हैं, और क्रॉस विंड्स कई बार तो ऐसा हो रहा है हेलमेट उड़ा देगी. बाप रे, मौसम बहुत ख़राब है उधर यार. Look at it. Welcome to Tabo. So guys, good evening. So finally we have reached Tabo. I'm right in front of Tabo Monastery. That is the old monastery there behind that building. This is the new one. And right behind me is this stupa. तो अभी फ़ोन मेरा, उससे पहले मेरा गोप्रो की बैटरी ख़त्म हो गई थी तो आई कुडंट नो रिकॉर्ड एनीमोर. तो अभी क्या है, पहुंच गए हैं, सामान रख दिया है. मैं और निशान भाई थोड़ा सा एक्सप्लोर करने आए हुए हैं टाबो को और वॉक कर रहे हैं. बाइक हमने पार्क कर दी जगह पे, वॉक कर रहे हैं, चेंज वेंज कर लिया, फ्रेश हो गए, चाय पी ली, सब कर लिया. फिर रात को डिनर करेंगे और फिर सो जाएंगे. सो दैट कल को, क्योंकि कल रात को हम लोग ज़्यादा नहीं सोए हैं ठीक से, तो आज हमें थोड़ा रेस्ट करना है क्योंकि आज सब थोड़े थके थके से हो गए. एक तो गेहूँ में बहुत ज़्यादा ठंड थी, टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप हो गया और उसकी वजह से सबकी थोड़ी सी थकान सी हो गई है. राइट, तो अभी टाबो घूमते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है टाबो में. टाबो मोनास्ट्री अभी बंद है. टाबो मोनास्ट्री का जो ट्रिप है वो कल मॉर्निंग में कंप्लीट करेंगे. This is me at Tabo. Look at those mountains behind me. कितने ऊपर है देख रहे हो? देखो. Look at it. डीलर जब लेना रखा हूँ. कौन सी लेंगे? वो खम्बे लूंगा 4. वो खम्बे ले लोगे? आगे देने हैं.